1 upon 2 root x. रूट टेस्ट का डेरिवेटिव भी 1 upon 2 root x और रूट टेस्ट का इंटीग्रेशन भी है क्या? इसका डेरिवेटिव है, इसका इंटीग्रेशन हो रहेगा. देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा? टू बाई थ्री एक्स रेज टू 3/2. वो कैसे आया फॉर्मूला? अगर उसको हम लोग एक्स रेज टू 1/2 लिख सकते तो एक्स रेज टू एन. क्या था फॉर्मूला एक्स रेज टू एन का? एक्स रेज टू एन एक्स एन ऑफ एक्स एन रेज टू एन एन एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी. एक्स रेज टू एन प्लस वन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. इसको हम लोग क्या करेंगे? एक्स रेज़ टू एन के फॉर्मूला करेंगे. रफली याद रखो इसको 2/3 एक्स रेज टू 3/2 एक्स रेज टू 5/2 है. हाउ टू सॉरी 5/2 है ठीक है ना. 5+2 7/2 ना. 7/2 को अपन लोग रेसिप्रोकल करो 2/7 और एक्स रेज टू 7/2 एक्स रेज टू 8/2 ना. 10+1 अपॉन एन प्लस वन 2 × 2 5+2 7/2 क्या नीचे भी 2 × 2 7/2 तो सॉरी इस पर 2/7 एक खाली बाहर रखो. बाकी अगर कल भी नंबर आया तो हम लोग एक्स रेज टू एन का फॉर्म को अप्लाई कर दूंगा. ओके ऐसे क्यूब रूट रहेगा तो अभी क्या था एक्स रेज टू 1/3 ठीक है ना. फिर क्या आएगा ये 3 × 10+1 4/3 3/4 एक्स रेज टू 4/3 रेज टू एक्स का हो गया बता. लॉग एक्स का डेरिवेटिव था 1/x का लॉग एक्स. लेकिन अगर 1/x का इंटीग्रेशन हो जाए हेलो तो 1/x का डेरिवेटिव है ना -1/x का लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता 1/x 1/x का लॉग एक्स. अच्छा तो उल्टा हो गया. लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता 1/x होते तो 1/x का इंटीग्रल लॉग एक्स आएगा. 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x2 तो 1/x2 का इंटीग्रेशन 1/x. ये लॉग एक्स लिख दिया होगा 1/x का लॉग एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स रेज टू एन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स रेज टू एन इंटू एफ डेफ एक्स. इट मीन की जो ब्रैकेट के अंदर है ना उसका ये डेरिवेटिव है और दैट इनसाइड द ब्रैकेट और दैट पार्ट ऑफ अमाउंट का क्या है ये डेरिवेटिव पार्ट है. ओके तो कभी अगर इस तरह का ब्रैकेट में इसका पावर एन है
और इसका आपने डेरिवेटिव यहाँ पे एडजस्ट किया समाहौ तो फार्मूला मिल गया एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अभी मैं बताऊँ क्या टू एक्स प्लस फाइव रेज टू सेवन। अब इसका कैसे करेंगे तो इन साल का पहले डेरिवेटिव करो, टू एक्स प्लस फाइव का डेरिवेटिव कितना है टू एक्स फाइव का डेरिवेटिव टू आएगा खाली टू इंटू एक्स का वन। तो अगर मैं आउटर कॉलम इसका डेरिवेटिव एडजस्ट कर देता हूँ ना तो इसका फार्मूला क्या रहेगा टू एक्स प्लस फाइव रेज टू एन प्लस वन एन प्लस वन ए अपॉन कभी अगर ब्रैकेट दिया रहेगा सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव रेज टू टेन और ऐसा दिया है तो क्या कर देगा इमीडिएटली इनसाइड वाले का डेरिवेटिव एडजस्ट करवा गए। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा टू एक्स प्लस फोर ना इफ आई एडजस्ट समहाउ द डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट सो व्हाट विल बी द आंसर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव रेज टू इलेवन अपॉन इलेवन टेन है ना पावर टेन है टेन प्लस वन एन प्लस वन अपॉन एन पॉज करो वन अपॉन रूट एक्स कल हमने क्या था डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स ना रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स इसका इंटायर टर्म का आंसर क्या आएगा इंडिकेशन रूट एक्स आएगा ओके। और अगर ये दो इंटू कॉन्स्टेंट है ना दो को हम लोग इंसर्ट कर लिए तो वन अपॉन रूट एक्स हो गया वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन टू रूट एक्स ठीक है ना वन अपॉन टू रूट एक्स पूरा डेरिवेटिव है पूरा फुल टर्म है तो रूट एक्स रहेगा वन अपॉन टू रूट एक्स का रूट एक्स और अगर एक कॉन्स्टेंट हम लोग एडजस्ट करते हैं वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन भी टू इंटू ओके। सिमिलरली वन अपॉन एक्स का क्या था माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ना ओके ये माइनस साइन को एडजस्ट कर लो माइनस किस साइन लिख दिया था वन अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या आएगा माइनस वन अपॉन तो क्या फॉर्मेट अगर एक्सपेंडर फॉर्मेट हो तो आपके पास टाइम बचने वाला क्योंकि उतना फॉर्मेट बनाने के लिए अपना टाइम नहीं रहने वाला है मैथ में वन अपॉन रूट एक्स टू रूट एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स सेकेंड टाइम एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स मीन्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपने उनको एडजस्ट किया है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर है अभी डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस फोर तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा टू एक्स रहेगा ओके ऊपर देखो एक्स है कैन आई डू लाइक दैट तभी इसका डेरिवेटिव टू एक्स हो गया ना ऊपर न्यूमरेटर में ऑलरेडी यू हैव एक्स इफ आई मल्टीप्लाई बाय टू एंड डिवाइड बाय टू 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 कैंसिल ही होगा ना अल्टीमेटली टू का एडजस्टमेंट होगा तो इसका डेरिवेटिव होगा ना ऊपर एक्स का प्लस फोर का डेरिवेटिव टू एक्स हो गया इफ यू एडजस्ट द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर ओके आंसर विल लॉग ऑफ एफ एक्स इसका आंसर रहेगा ये वन बाय टू लॉग ऑफ एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस तो डिनोमिनेटर का अगर डेरिवेटिव हम न्यूमरेटर में एडजस्ट करते ना समहाउ तो आंसर क्या रहेगा log of that part denominator log of fx that fx plus upon fx रहेगा it means that fx का derivative क्या क्या अपने numerator में adjust कर रखा है तो log of that denominator fx one upon x log x log x का derivative already adjust है कुछ एडजस्ट हम लोग नंबर को चेंज कर रहे हैं कॉन्स्टेंट कुछ डाय उसका डेरिवेटिव है आंसर है लॉग ऑफ एफ एक्स एफ एक्स क्या है लॉग एक्स डिनोमिनेटर का अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव एडजस्ट कर लेते हैं स्वभाव तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा लॉग ऑफ दैट डिनोमिनेटर ओके देन
इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस सॉरी ई रेज टू एक्स इन टू एफ एक्स प्लस एफ डेल्टा एक्स. आउटसाइड द ब्रैकेट यू गॉट ई रेज टू एक्स और डिनोमिनेटर में दो टर्म है एफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव एफ डेल्टा एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेल्टा एक्स. तो ई रेज टू एक्स इन टू एफ एक्स प्लस एफ डेल्टा एक्स. सो आई विल आंसर ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस सी. अब ये क्या होता है ई रेज टू एक्स और ऐसे दे रहे हैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ओके. तो उसको मैं कैसे करता हूँ ई रेज टू एक्स एक्स क्यूब प्लस फोर एंड थ्री एक्स स्क्वायर. मैंने ये दो टर्म को एक साथ लिया और उसको साथ लिया तो क्यों मैंने क्या मैंने इसका डेरिवेटिव करो थ्री एक्स स्क्वायर हो गया फोर का जीरो हो गया एट टर्म का डेरिवेटिव हो गया नहीं एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा एक्स आंसर ई रेज टू एक्स इंटू एफ एक्स ई रेज टू एक्स इंटू एफ एक्स एफ एक्स क्या है एक्स क्यू प्लस प्लस सी ओके. तो जब लिखा ई रेज टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डेल्टा एक्स आंसर ई रेज टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी ओके. तो इसके अंदर क्या था डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आई हैव टू एडजस्ट इन न्यूमरेटर. हियर इनसाइड द ब्रैकेट एफ द एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव वी हैव टू एडजस्ट देयर सिर्फ द टू टर्म्स. तो आंसर आएगा इसका आंसर क्या था लॉग ऑफ एफ एक्स इसका आंसर ई रेज टू एक्स इन टू एफ एक्स ठीक है. नेक्स्ट है इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद द वन अपॉन टू ए मीन्स कॉन्स्टेंट है वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचपन में मैंने फार्मूला पढ़े थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था अभी मैट्रास चैप्टर हुआ था मैट्रास में भी था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी था ना बचपन में स्मॉल लेटर में था ओके सिमिलर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आएगा एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए है ना फ्रैक्टर क्या आएगा एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए आएगा बराबर वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस जो फ्रैक्टर है वो इंडिया होगा फिर प्लस सी वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब इसका फैक्टर क्या आएगा ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स खाली फर्क कितना है इसमें माइनस वाला होगा तो प्लस वाला इसमें या प्लस वाला से माइनस वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स दोनों सेम पैटर्न को पढ़ लूँगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स एक्स प्लस ए यस वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अब ये फार्मूला अकॉर्डिंग क्या फर्क है रूट है ये जो एक्स का माइनस ए स्क्वायर एक्स का माइनस ए स्क्वायर रूट है वन अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स का माइनस ए स्क्वायर फार्मूला लॉग एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस द सेम जो डिनोमिनेटर का पार्ट है एक्स प्लस डिनोमिनेटर पूरा पार्ट कंप्लीट वैसे डिक्टो कॉपी करने हैं log of x plus under root x square minus a square. So, 1 upon under root x plus a square. Again, same. Log of x plus the same. जब इस तरह का बना तो इसमें फार्मूला पॉपुलर होने आ रहा है log of x plus the same. x plus the same मतलब जो डिनोमिनेटर में वही ठीक तो इतना फार्मूला था और एक तो है तो पॉज करो यू इंटू वी का इंटीग्रेशन भागा डेरिवेटिव नहीं यू इंटू वी का डेरिवेटिव फार्मूला था फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव सेकंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऐसा यू इंटू वी का इंटीग्रेशन फार्मूला देता है क्या है ए
फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म यू फर्स्ट इंटू सेकेंड वी का इंटीग्रेटर फर्स्ट इंटू मीन्स फर्स्ट की पॉजिटिव एंड टू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन इस सेकेंड का जो भी इंटीग्रेशन आया उसको जस्ट वी हैव टू रिपीट दैट होल इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब सेकेंड का इंटीग्रेशन दो बार लिखना है इसे स्टार्टिंग में भी करना है अब बाद में जो होल इंटीग्रेशन साइन है उसके इनसाइड इंटीग्रेशन ऑफ बी मतलब ऐसा करेंगे फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ओके माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेशन रिपीट दैट इंटीग्रेशन ऑफ टू रिपीट ओके इंटू फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एस इट इज फर्स्ट का इंटीग्रेशन नहीं करना कहीं पे डायरेक्ट वो इंडायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा अभी तो आपके बैच वाले ही लोग आ जाइए ना ये लोग पीछे बैठते थे कल इतने भर के बुला दो मिनट उसमें उतर लो वो याद रहा घर पे तो क्या यूनिट वी का यू इंटू वी इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटीग्रेशन इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ओके यू का डायरेक्ट कहीं पे भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ही दिखेगा आपको वो इनडायरेक्ट रहेगा तो यू इंटू वी इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटीग्रेशन रिपीट दिस इंटीग्रेशन यू हैव टू रिपीट देयर एंड डेरिवेटिव ऑफ यू डी एक्स ओके और एक कोड वर्ड इधर पे यू इक्वल टू लीएट लीएट मीन्स एल स्टैंड फॉर द लॉगरिथम एल स्टैंड फॉर द लॉगरिथम ए स्टैंड फॉर द इनवर्स मीन्स आई स्टैंड फॉर सॉरी ए स्टैंड फॉर अलजेब्रिक फंक्शन टी ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री बट आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है ई एक्सपोनेंशियल अब लॉगरिथम टर्म इनका आई इनवर्स इनवर्स वाला साइन इनवर्स अभी हो अब आपके लेवल में ये भी इनवर्स भी नहीं है तो भी कर दो तो बच गया आपको थ्री टर्म एल ए ई ओके ना तो यू कैन से कोड वर्ड है ली लाए भाई क्या लाए लॉगरिथम अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल अभी कोड वर्ड की में सब एग्जाम में लॉगरिथम भी दिया और अलजेब्रिक और सब में इसको हम लोग यू लेने वाले हैं में पहला एल ला रहा है लॉगरिथम लॉगरिथम का टर्म है जिसको पहले यू लेना है अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल है अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल अलजेब्रिक फर्स्ट है इसलिए अलजेब्रिक मिल गई था यू और ये क्या आएगा थ्री ये कोड वर्ड है एल ए ई उस टर्म का पहला लेटर ये एल आ रहा है ना अगर लॉगरिथम पहला रहेगा तो हम लॉगरिथम को क्या करेंगे यू लेने वाले अदर वाले को वी समटाइम एल और ई का कॉम्बिनेशन है लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल इसमें यू क्या रहेगा लॉगरिथम वाला यू यू रहेगा और ये वी सम टर्म अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल है तो ए पहले आ रहा है इसलिए ए अलजेब्रिक विल बी द यू और ये क्या होगा दैट वर्ड है एल ए ई और आपका ट्रिग्नोमेट्री में रहता था तो एल क्या था एल आई ए टी ई होता पर इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री नहीं वो कैसे यू रहेगी ड्रो रहेगी आप खाली फॉर्मूला ध्यान रखें U V equal to V U into V integration minus integration of again you have to repeat the second integration and the derivative of first one. Okay? इतना formula है integration में बाप रे